गुड मॉर्निंग इंडिया। ना कष्ट ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जी बिल्कुल, किसी भी काम को करने के लिए बिल्कुल आपके सीने में एकदम आग जैसी धाकनी चाहिए और फिर आप उसको कर ले जाएंगे। मैथ बहुत आसान है, PVR स्टडी की सुबह 5 बजे से आप जीरो लेवल मैथ देखिए मंडे टू सैटरडे, एकदम बेसिक तरीके से, एकदम पानी की तरह। आज हम देखेंगे गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, यानी कि क्यूब रूट और फैक्टर निकाल करके कैसे करते हैं। ध्यान से देखना, इस क्लास को पूरा देखना। 10, 20, 40, 50 छोटा मोटा तो हम बहुत पहले कर चुके हैं, आज हम मोटा का मोटा संख्या लेंगे, मतलब 7744 का वर्गमूल कैसे करेंगे। ये है कक्षा 8 का गणित अभ्यास 2 का बी, और सवाल नंबर होगा आपका ये पहला, यानी कि 2B का जो सवाल है ना वो क्वेश्चन नंबर मेन है, पहला का ये पहला पार्ट है, इसमें दो पार्ट है ना। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले आप नंबर का गुणनखंड करोगे। क्या करेंगे, इसका नंबर का गुणनखंड करेंगे, तो वो सभी लोग कर लेंगे। 7744 इसका गुणनखंड करोगे, 2 से काट दो तो कितना होगा, 2 3 6, और फिर ये कितना हो जाएगा, 17, और फिर आप क्या करोगे, 2 8 16, फिर 1 बचा, 2 7 14, 2 2 9 4, मतलब इसका आधा आ जाए, 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से काटोगे, 2 9 18, 2 6 12, 2 8 16, 2 से काटोगे, 2 4 8, और फिर ये 2 8 16 और 2 4 8, ठीक, फिर 2 से काट दो, 2 2 9 4, 2 4 8, 2 2 9 4, फिर 2 से काटो, 2 1 कम 2, 2 2 9 4, 2 1 कम 2। अब देखिए जो 121 बच रहा है ये किसी से नहीं कटेगा, सीधा सीधा 11 से कटेगा, तो 11 1 कम 11, और ये 11 से कटेगा तो 1 आएगा। नीचे दिख रहा कि नहीं दिख रहा कमेंट करके बताना, एकदम नीचे तक दिख रहा कि नहीं, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो गया गुणनखंड। अब दूसरा स्टेप क्या होता है उसको ज़रा गौर करना। दूसरा स्टेप में हम वो नंबर लिख लेते हैं, 7744 जो भी नंबर था। देखो अभी ये सवाल नहीं कर रहे हैं इसलिए ध्यान देना, अभी पहला ही सवाल के बारे में बात हो रही, इसके जो भी गुणनखंड आए उसको लिख लो। देखिए 2 2 2 2 2 कितनी बार है, 6 बार है ना, 6 बार, यानी 6 टाइम हम 2 × 2 × 2 × 2 और 2 और 2 लिख लेंगे। उसके बाद में 2 बार 11 आया है 11, तो 2 बार हमने 11 भी लिख लिया। देखो ये 6 बार ही तो हुआ ना, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्लियर। हमें करना है वर्गमूल, वर्गमूल में जानते हो 2 2 का जोड़ी बनाते हैं, 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, तो ये वर्गमूल निकालना था। आप इस पे चिन्ह भी लगा दोगे तो कुछ बुरा नहीं है, ठीक ना। इसमें देखिए 2 2 का पेयर बना लेते हैं, अब इसमें से क्या होगा, 1 2 इस पेयर से निकल जाएगा, 1 2 दूसरे वाले पेयर से निकलेगा, 1 2 तीसरे वाले से, और 1 11 निकलेगा अगले वाले से। सभी का कर लो मल्टीपल, ये हो गया आपका आंसर, 2 2 9 4 2 9 8 और 11 8 88, यानी कि आपको मालूम हो गया कि 88 का जो वर्गमूल है वो 7744 होगा। क्या होगा, 7744 होगा। अगर नहीं यकीन है, कोई दिक्कत है, तो आप एक काम करो, 88 का स्क्वायर कर लो, 88 का घात 2 लगा के गुणा कर लो, हल कर लो, फिर यही पा जाओगे। जल्दी से छाप लीजिए तुरंत बिना देर करे हुए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। जल्दी करिए, जीरो लेवल गणित प्रतिदिन सुबह 5 बजे के बाद आप कभी भी PVR स्टडी इलाहाबाद चैनल पर देख सकते हैं। और हाँ, हमारे पार्टनर चैनल PVR स्टडी ग्रुप चैनल पर आप इस क्लास को शाम को 7:30 बजे से देख सकते हैं, एवं फेसबुक पेज पर, PVR स्टडी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आप इसी सेम टू सेम क्लास को दोपहर 11 बजे से देख सकते हैं। और अगर आप इसे चाहते हैं कि 24 घंटे में चाहे जब देखें, किसी भी टाइम देखें, तो वो भी सुविधा हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। नंबरों पर संपर्क करें जो कि ऊपर दिया गया है, अभी हम आपको नंबर फिर से दिखा देंगे, अगर नहीं दिख रहा है तो अगला नंबर ले लो। आप अगला नंबर है 18 और 225, इसका क्या करना है, वर्गमूल करना है गुणनखंड विधि से। तो बस चलो इसको काट देते हैं। कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि ये 2 लिख करके 2 9 18, फिर 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, ऐसे ये कैसे कर देते हैं, ये कौन सा तरीका है, तो मैं आपको वही बताने वाला हूँ। ये गलत है, 2 से नहीं कटेगा। देखो कैसे जानते हैं किससे कटेगा, जैसे 18 है और ये 225 है,
तो जरा ध्यान से देखो, पहले ये सम संख्या है कि विषम संख्या है, क्योंकि जब मैथ स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यही कहानी गाते हैं, सम विषम भाज्य भाज्य वही सब वगैरह वगैरह चलता रहता है ना। लास्ट का डिजिट 5 है जो कि एक ऑड नंबर है, तो यानी कि पूरी संख्या एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या कभी भी सम संख्या से नहीं कटेगी, यानी ये 2 से नहीं कटेगी। और नहीं कटेगी हम नहीं कह रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, ये लो देख लो, 2 से भाग करोगे तो 2 9 18, ये 0 आएगा, इधर वाला 2 उतारोगे, 2 1 कम 2 अभी तो कट जा रहा बड़े मज़े से, फिर 2 उतारा, ये देखो 2 1 कम 2, फिर 5 गया और 2 2 9 4, लास्ट में 1 बच जाएगा, ये कटेगा नहीं। याद रखना दशमलव में नहीं ले जाना, नहीं तो दशमलव ले जाके काट दो, डेसिमल में नहीं ले जाना है, बिना डेसिमल के कटनी चाहिए, ठीक ना। तो जब ये 2 से नहीं कटेगी कन्फर्म हो गया, तो किससे कटेगी, ये 3 से कट सकती है, देख लो, हाँ 3 से कट सकती है, 3 से काट दो, 3 6 18, क्लियर। अब क्या करोगे आप, इसमें ले जाओगे तो 3 7 21 और 3 5 15, कुछ लोगों को लग रहा होगा सही है ना, ये गलत है। कैसे गलत है, देखो 18,225 का अगर आप 675 लिखोगे तो जरा ध्यान दो कि 18,000 है, 18,000 से ज़्यादा है ना, 18,225 है, और आपने जो उसका 3 गुना निकाला 600, सही है क्या ये, नहीं सही है, ये तो 1800 का हो रहा है आसपास में, 18,000 है ना, तो 6,000 के ऊपर आना चाहिए, और वो यहाँ पे क्या होगा, एक 0 बढ़ेगा, और वो कैसे बढ़ेगा मैं आपको आपके सामने प्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ कैसे बढ़ेगा। अक्सर 90% लोग इसको ऐसे गलत कर देते हैं, ये देखना कैसे बढ़ता है, ये 18,225, इसको आप 2 से काटोगे तो 2 9 18 हो जाएगा, ये कट गया, अब क्या करोगे आप, ऊपर से 2 उतार लो, अब फिर क्या है, फिर आगे क्या है, इसमें जाएगा भाग, हाँ जाएगा 1 बार जाएगा, ओ फिर से 2 से भाग करने लगे, 2 से नहीं कटेगा, देखिए किससे काटा था, 3 से काटा था ना, तो 3 से भाग करो भाई, 3 से, हाँ बिल्कुल सही है, ज़्यादा कुछ गलत नहीं है, 3 से ही भाग करना है, तो ये लो 3 से भाग करेंगे, 6 बार जाएगा, 18 हो गया, ये ख़त्म हो गया, ऊपर से 1 2 उतार लो, आप ज़रा ध्यान देना, 2 उतार लिया ना, अब 3 का भाग जाएगा 2 में, कुछ लोग कहेंगे नहीं जाएगा, जाएगा कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा, ये 0 बार ले जाओगे फिर 2 आ जाएगा, अब आप किसी और नंबर बार ले जा सकते हो, 0 बार ले जाने से कोई मतलब नहीं, तो अब आप क्या करोगे, ऊपर से दूसरा वाला 2 भी उतार लो, अब फिर 3 7 कितना जाएगा, 21, और फिर 1 आएगा घटाने पर, 3 का भाग 1 में नहीं जाएगा, ऊपर वाला 5 उतार लोगे तो ये हो जाएगा 3 5 15, और फिर क्या आएगा, ऊपर देख लो 6,075 आ गया। अब मैं भाग देके हर बार नहीं बताने वाला हूँ, फिर से इसको 3 से काट लेंगे तो 3 2 6 0, 3 2 6 3 5 15, वैसे भी देख लो 2025 है, 2025 का 3 बार गुणा करोगे 6,075 आएगा, फिर 3 से फिर से काट लो, 3 6 18 घटाने पाएगा 2 हो जाएगा 22, 3 7 21, 3 5 15, हाँ अब ये लगभग जो है अब सही आ रहा है, फिर से 3 से कटेगा 3 2 6 और 3 2 6 3 5 15, फिर से 3 से कटेगा 3 7 21, 3 5 15, देखो ये सब 3 से कट रहा है बाबू, ठीक है ना, 3 से काट दो 25 आएगा, 25 3 75 होता है, 5 से कटेगा 5 5 25, और फिर ये 5 1 कम 5, क्लियर, एकदम क्लियर। अब देखना यहाँ पर क्या होता है, ये हमने इसका वर्गमूल निकालना है, तो इस पर अगर हम टोपी लगा दें तो कोई गलत नहीं है, ठीक ना, देखना आगे, इसका वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल, वर्ग का मूल, तो 3 से कितना बार कटा है, 1 2 3 4 5 6 बार 3 से कटा है, तो आप लिख लोगे 3 × 3 × 3 × 3 × 3 और ये 3, 3 3 6 हो गया, और फिर आप क्या करोगे 5 × 5, ये इस पे लगा लो वर्गमूल का चिन्ह, ठीक ना, 2 2 के जोड़े बन जाएंगे, पेयर बन जाएंगे 2 2 नंबर के, और देखो एक नंबर से एक 3 आ गया, एक जोड़े से दूसरे जोड़ा तीसरा जोड़ा, सभी जोड़ों से एक एक नंबर निकाल लोगे तो 3 3 9 3 27, 27 का 5 में गुणा कर दो, 5 7 35 और 5 2 10 3 13, इसका आंसर हो गया 135। जिन लोगों को कोई डाउट हो रहा है, कोई टेंशन हो रहा है, वो लोग 135 का होल स्क्वायर कर लें और प्यार से उनको ये नंबर मिल जाएगा, ठीक ना, तो आप खुद से ट्राई कर सकते हो।
मैथ्स अर्थात गणित एक ऐसा इंटरनेशनल सब्जेक्ट है जिसके उत्तर से आप सवाल ला सकते हो। हाँ जी बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन ला सकते हो उसके आंसर से। देखिए अब इसमें हम अगला पार्ट आपको दिखाते हैं, मतलब कि एक सेशन लगभग आपका ख़त्म हो गया, दूसरा टॉपिक चल रहा है, ध्यान से देखना, इस क्लास को पूरा देखना। मैं एक बार फिर से बता दूं, अगर आप रियल में पढ़ना चाहते हो तो पीवीआर स्टडी की जो भी जीरो लेवल मैथ आपको मिले ना उसको पूरा देखा करिए, बीच में छोड़ के स्किप करके हगा भगा के इधर उधर ऐसा मत किया करिए, ठीक ना, नहीं तो मज़ा नहीं आने वाला है। तो देखिए गुणनखंड विधि से इसमें निम्नांकित के घन वर्गमूल कैसे निकालेंगे। अभी तक आप वर्गमूल देखते थे, ये घन वर्गमूल का मतलब क्या है, ये केवल आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए लिखा गया, बाकी कुछ नहीं है, वैसे ही करना जैसे अभी तक आप करते आए थे। हाँ ये है कि ये सभी संख्याएं सीधा सीधा नहीं हैं, ये ऐठी गैठी हैं, उनको सीधा करना है आपको। तो एक बात याद करिए, पिछले ज़माना वाली बात कि अगर जब आपने शायद सातवीं या आठवीं क्लास देखा होगा उसमें हमने आपको वर्ग याद करने को कहा था कि जैसे दो का वर्ग जो है वो चार होता है ना, वैसे बारह का वर्ग जो है 144 होता है। और इसी क्रम में अगर हम चलें 19 का, तो 19 का वर्ग 361 होता है। जिन लोगों ने याद किया था आज वो इन सभी सवालों का जवाब पा चुके होंगे, कमेंट भी कर दिए होंगे, और जिन लोगों ने नहीं किया था वो अभी राम राम कर रहे होंगे, कहीं से मिल जाए तो अच्छा है, और उनको मिलेगा भी नहीं, ठीक ना। चलिए फिर अब हम आपको दिखाते हैं कैसे, क्यों और कब होगा, ध्यान दीजिएगा। तो पहले हम छोटा वाला सवाल करेंगे, मतलब दूसरा, ये 529 और ये 196। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि 196 तो है, हमें याद है, लेकिन ये 529 जो है बड़ा अजीब सा लग रहा है, ये तो कहीं होता ही नहीं, किसी संख्या का वर्ग है ही नहीं, ये है वर्ग, जब आप पढ़ोगे तब मालूम चलेगा ना। आप इसको हल करके देखना, 529 23 का वर्ग है और 196 किसका होगा, 14 का वर्ग होगा, बात सही है कि नहीं। 11 ग्राम में 121 होता है, 13 का 169 होता है, 14 का 196 होता है। जिन लोगों को 29 वाले में 23 वाले में समस्या हो रही है वो 23 का 23 में गुणा कर लें और फिर हमें बताएं कि 529 आता है कि नहीं आता है, ये थी ना मज़ेदार बात। उसके बाद इसका चलते हैं, देखो यहाँ पर 1296 जो है ये काफ़ी बड़े नंबर का मुझे लग रहा है, क्योंकि 25 का 625 होता है ना, तो ये एक प्रकार से समझ लो कि 52 के आसपास का होगा किसी नंबर का, गुणा करके बताओ 1296 किसका है, 52 का है क्या, 52 दूना हो जाएगा कितना, 104 नहीं है, 52 का 53 का होगा शायद। अब देखिए इसमें पहला सवाल देखिएगा, पहला जो है आपके सामने है, इसको ज़रा ध्यान से देखना, इसमें भी आपको बिल्कुल वैसे ही करना है। अब हम यहाँ पर हल करके आपको नहीं दिखाने वाले हैं, आप ज़रा ध्यान दो, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट निकालोगे 625 का और ये 1296 का। तो हमने आपको रटा दिया था, याद करवा दिया था, जिनको नहीं याद है वो कमेंट करेंगे, हम उनको तरीका बता देंगे। 625 का जो वर्ग होगा, वर्गमूल होगा 25 होगा, सॉरी वर्ग नहीं वर्गमूल, और 1296 जो है ना वो 36 का है। इस तरह से आपका ये आंसर हो गया, और ये आंसर देखते देखते हो गया, अगर कहीं कैलकुलेशन में फंस जाओगे तो कभी इसको कर ना पाओगे। हाँ याद रखना, ये 1296 का अगर कहीं वर्गमूल करने को आ गया ना तो आप गड़बड़ हो जाओगे, उसी मटके रहोगे, नहीं आएगा जल्दी से, इसलिए याद रखिए। तो आप देखते कर ले जाएंगे तुरंत फट से, अगर नहीं याद रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, उस तरह से 625 का भी होगा। अब कुछ लोगों के दिल में सवाल आ रहा होगा कि ये डायरेक्ट 25 और 36 का है लिख दिए, कैसे लिख दिए, हमें तो कुछ समझ में ना आया, पल्ले ना आया पड़ा। तो बिल्कुल घबराए ना, वो ध्यान से देखें, हम उनका भी इलाज लेके आए हुए हैं। इधर देखिए, देखिए 625 का हमने 25 का है लिखा क्योंकि हमें याद था, याद काहे लिए था, क्योंकि कहते हैं ना घिसते घिसते पत्थर से भी पानी निकलता है, पुरानी कहावत सुना है ना। तो देखिए तीन से अगर गुणा करोगे, तीन दूना छः, और ये तीन से कटेगा का ना, कटेगा तीन से, काहे ना कटेगा, ये देख लो आपके सामने है, तो ये तीन से ना कटेगा, पाँच से कटेगा, पाँच एकम पाँच, पाँच दूना दस, और ये पाँच से कटेगा, फिर पाँच से कटेगा, और फिर पाँच से कटेगा। इसका क्या करना है हमें, क्या करना था जी, वर्गमूल निकालना था ना, वर्गमूल निकालना था। वर्गमूल में दो दो का जोड़ा बनाते हो ना, देखो दो जोड़े बन रहे हैं पाँच पाँच के, एक एक पाँच निकाल लोगे ना क्या आएगा, 25 आएगा ना, 625 का कितना आया, 25 आया, ये मैंने 25 रखा था, क्लियर। ये तो घेरा हूँ इसको, सुंदर लगे इसलिए, बाकी इसको घेरना ज़रूरी नहीं है, ये लो देखो हो गया ठीक।
उसी तरह से आप 1296 का भी अलग अलग काटोगे और काट करके लाके उसको लिखोगे, ये तो हमने लिख दिया था, रटा रटाया था, याद था। जिन लोगों को नहीं याद है उनको इसको बुझाना पड़ेगा आधा घंटा, और फिर ये काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसलिए इसको याद कर लो। मैं बताया था जैसे बचपन में आप पहाड़ा गिनती याद करते थे, वैसे इसको भी चाहोगे तो हो जाएगा। ये देखो, 2 × 12, 2 × 4 8, 2 × 8 16, 2 × 3 6, 2 × 2 4, 2 × 4 8, 2 × 1 2, 2 × 6 12, 2 × 2 4, और फिर 2 से काटोगे, 2 × 8 16, 2 × 1 2, 3 से काटोगे, 3 × 2 6, 3 × 7 21, 3 × 9 27, 3 × 3 9, और 3 × 1 3। क्लियर? ध्यान से देखना, एक जोड़ा बन गया, दुई जोड़ा बन गया, ये देखो बन रहे ना सारे जोड़े, तो जोड़ी ऐसे ही बनी रहे। ध्यान से देखना इधर, मतलब ज़्यादा मत निकालना, ये देखो इधर क्या हो जाएगा, 2 × 4 × 8 × 16 कितना आएगा, 16 आ रहा जी, गलत आ रहा है का ये? ओ देखो देखो, दिमाग जो है ना थोड़ा ब्रेक कर रहा है। ये दो दो के जोड़े बने हैं ना, नीचे जो है तीन तीन के जोड़े बने हैं। हो सकता है आप लोग मन मन गाली दे रहे होंगे, काहे गड़बड़ कर रहा है। तो 2 × 4 = 12 × 3 = 36, यानी कितना आया, 36 आ गया ना, यानी कि 25/36 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरह से आप लोग इसको करके बताओगे, कुछ लोगों को लग रहा होगा ये तो बड़ा आईना बाइना लिखा है, कैसे होगा इसे, तो उसको क्या करेंगे, उसको आप भिन्न में बदल लो, सिस्टम वाली भिन्न में, मतलब सीधी साधी भिन्न में, भोली भाली में। देखो कैसे करेंगे, ये कैसे, कुछ वर्ड हम ऐसे बोल देते हैं हिंदी का जिसको आप डिक्शनरी में मतलब ना पाओगे खोज के, ठीक ना, लेकिन खोजना भी मत। ये देखिए, 49 का गुणा कर लो पहले 4 में, 49 का 4 में गुणा कर लोगे तो क्या हो जाएगा, ये देखना, 4 × 9 = 36 हासिल आया कितना, 3 × 4 = 16, 3 × 19। इंग्लिश में लिख लो, 4 × 9 = 36 कैरी होता है ना, कि बोरो होता है, कैरी होता है, 4 × 9 = 36 कैरी आया 3, और 4 × 4 = 16, 3 × 1 = 96। देखिए जो यूपी बिहार वाले होंगे वो सारी हिंदी का मतलब समझ रहे होंगे, जो यूपी बिहार के अलावा कहीं हैं वो नहीं समझ रहे होंगे, उनको थोड़ा बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, है ना। अब इसमें 29 जोड़ लो, मतलब इसका इसमें गुणा करेंगे उसमें 29 जोड़ देंगे, तो 9 × 6 = 15, 5 = 1, 9 × 2 = 11, 12 = 1, 1 × 1 = 2, और ये हो जाएगा 225/49। क्या करना था, वर्गमूल निकालना था, ये लो आ गया ना। हर कोई रटा होगा जो पीवीआर स्टडी का स्टूडेंट पहले से है, कि 225 जो है वो किसका वर्गमूल होगा, वर्गमूल नहीं होगा, वर्ग मतलब किसका है। देखो सीधी सी बात है, 225 किसी का है भी या नहीं है, देखो 25 × 625 का होता है, 225 किसी का वर्ग है, बताइए आप लोग बताइए, 11 ग्राम में 121 होता है, 15 × 225, 14 × 196 ना, तो मतलब किसका हो जाएगा, 15 का हो जाएगा ना, ये देखो 15 हो गया और ये 49 का 7 हो गया, इस तरह से 15/7 आपका आंसर आ गया। जिन लोगों को लग रहा है कि ये 15 कैसे आ गया, इस 7 कैसे आ गया, ये कौन सी कयामत आ रही, तो वो लोग ऐसे बनाएं, हराई फंदाएं, काटे पीटें, गुड़ा भाग करें और फिर निकालें, लास्ट में जो मिलेगा ना बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि जितना मेहनत करने से कोई चीज़ मिलता है ना उसकी मज़ा कुछ और ही होती है, जो आसानी से मिल जाता है उसकी कुछ कदर कम हो जाती है ना। बात समझ गए, तो नोट करिए जल्दी से। देखिए जब तक हम इधर उधर की कहानी सुनाते हैं, लिखने के बाद जब आपके सामने से हटते हैं तो आप फट से टूट पड़ा करिए लिखने के लिए, क्योंकि अब ये मत सोचा करिए कि हम बोलेंगे भाई चलो लिखो, यहाँ से अलाउंस करेंगे तो फिर आप शुरू करोगे, तो ये टाइम नहीं होता है, ठीक ना। हाँ, ये क्लास जो है आपकी भले 15 मिनट की होती है, पहले ये लाइव 45 मिनट का होता था, लेकिन मुझे लगता था कि लाइव में आप लोग बहुत खुश रहते थे और हमें भी बहुत मज़ा आता था, लेकिन ये मज़ा सारा फीका पड़ जाता बाद में, कि लाइव के बाद कोई इसे देखना नहीं चाहता, एक कौड़ी का नहीं होती ये क्लास, क्योंकि जो लोग नाम जिनका बोला जाता बहुत खुश रहते हैं, बाद में देखते हैं अरे यार ये तो हमारा नाम वाम नहीं बोल रहा, पता नहीं का बकैती करे जा रहा है, फालतू का है का देखें, तो इसलिए अब हम उसको बंद कर दिए हैं। लेकिन आपसे लाइव हम जुड़ेंगे, लाइव पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, शाम के टाइम हम आपको लाइव देंगे, जल्दी ही उपलब्ध करवाएंगे। जो भी प्यारे स्टूडेंट पूरा कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं वो ये नंबर नोट कर लें, एक देश एक टैक्स की तर्ज पर, मैं पिछली क्लास में भी बोला था एक क्लास एक नंबर है, ठीक ना, मतलब इसका मैं क्या कहने वाला हूँ, एक क्लास एक नंबर का मतलब आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है, इस क्लास पर आप मतलब
इसी नंबर पर आप फेसबुक पर हमसे जुड़ सकते हैं सर्च करके, इसी नंबर पर आप गूगल पे या फ़ोन पे से पेमेंट भी कर सकते हैं, मतलब कि इसी एक नंबर पर आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, इस पर आप फ़ोन कॉल करके इंक्वायरी भी कर सकते हैं, ठीक ना, बात समझ में आई। तो कितना आसान तरीका है, जो लोग कंप्लीट पढ़ेंगे वो गूगल पे या फ़ोन पे से इस नंबर पर 549 रुपये पे करके, ये व्हाट्सअप नंबर भी है, इसी पर उसकी रसीद भेज देंगे, उनको कंप्लीट क्लास सिखाया जाएगा पूरी गारंटी के साथ। जिनको लग रहा है कि बहुत सारा पैसा लूट रहे हैं, बटोर रहे हैं, मत दो भाई, फालतू का है, बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, बहुत सारी बातें आती होंगी दिमाग में, हमारे भी आती हैं चूँकि हमने सुना आप लोगों से, तो वो बिल्कुल ना करें, एक भी रुपया ना दें, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखें। उनके लिए भी हमारे पास अलग से सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जैसे देखे गांव का रीत वैसे उठावे, अपन भीत कहानी सुना ना, गांव में एक होती है, तो बस उस आधार पर भी क्लासें हैं, आप यूट्यूब पर देखते रहिए और मज़े लेते रहिए, एक भी रुपये नहीं देना, ठीक ना, मतलब समझ गए ना, तो बस समझते रहना। चलते हैं आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो, और आप लोग इतना देर तक हमें देखते रहे और हमारी सारी बकवास को सुनते रहे, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। फिर से मिलते हैं अगली क्लास में, वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखना, वहाँ पर सारा डिटेल दिया गया क्लास का।